हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तिमय हुआ पूरा धौलपुर जिला। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज गुरुवार को पूरा धौलपुर जिला हनुमान जी और भगवान श्री राम की भक्ति में डूब गया। जिले के सभी हनुमान मंदिर में भक्तगण इस कदर पूजा अर्चना करने के लिए उमड़े कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। धौलपुर शहर के विभिन्न हनुमान जी के मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्तगण सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे, जिनका शाम तक क्रम जारी रहा। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बिहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 56 भोग लगाए गए और फूल बंगला झांकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण पूजा अर्चना करने पहुंचे, जिन्होंने विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही हनुमान जी की आरती की और हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा धौलपुर शहर के संतर रोड स्थित मोटे हनुमान जी, बनखंडी हनुमान जी, मचकुंड स्थित ताल वाले हनुमान जी, पुरानी छावनी स्थित हनुमान जी मंदिर सहित शहर के अन्य हनुमान जी मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि की कामना की। घड़ियालों को बचाने एवं अवैध बजरी खनन को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। एसीएम माइंस व पेट्रोलियम और वन विभाग ने ली संयुक्त बैठक। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश देते हुए माइंस, पुलिस, वन व संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। ACS डॉक्टर अग्रवाल ने जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, धौलपुर और भरतपुर के माइंस विभाग के अधिकारियों, वन विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा अवैध खनन गतिविधियों पर रोक के लिए कार्यवाही करते समय बड़ी मशीनों आदि की जब्ती की कार्यवाही की जाए। अवैध खनन करने वालों पर कैमरे के माध्यम से पूरी निगरानी रखी जाए। अवैध खनन को सख्त पाबंदी के साथ इतना मुश्किल कर दिया जाए कि अपराधी स्वयं अवैध खनन को छोड़ दे। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि चंबल बजरी के अवैध खनन को लेकर मुरैना जिले के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर ली गई है। इसके साथ ही बिना नंबरी वाहनों को डीजल पेट्रोल नहीं देने के भी आदेश जारी किए गए हैं। बैठक के पश्चात अतिरिक्त मुख्य सचिवों द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चंबल नदी के राजघाट क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस मौके पर अवैध खनन की कोई भी गतिविधि नहीं पाई गई। इस दौरान निदेशक खनन एवं भू विज्ञान विभाग संदेश नायक, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, SME भरतपुर अविनाश कुलदीप, ME धौलपुर मुकेश मंगल, ME भरतपुर रामनिवास मंगल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उप वन संरक्षक वन्य जीव अनिल यादव आदि संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। हाँ सर, आज NGT के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि फॉरेस्ट के अधिकारी और माइंस के सब लोग जाएं। तो ACS फॉरेस्ट डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी, मैं, ACS कलेक्टर साहब सब गए हैं। इस समय तो पूरा बंद है। आज मीटिंग भी की थी, धौलपुर के अधिकारी भी आए गए थे, तो काफ़ी सख्ती से एक्शन किया गया है। एक भी हमें किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र, औजार, मशीनरी, व्यक्ति नहीं दिखा। तो इस समय तो पूरा कंट्रोल है और हमने आज निर्देश भी दिए हैं कि जॉइंट एक्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले से भी कोऑर्डिनेट करेंगे। अपनी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से अवैध सैंड माइनिंग नहीं हो सके और NGT के आदेशों की अक्षरशः पालना हो। बाकी हमारे अधिकारी और रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे और राज्य सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है इस बात के लिए कि
कि हम अवैध गतिविधि नहीं अलाउ करेंगे। जेल में कपड़ों में छिपाकर दे रहे थे सिम, दो युवक गिरफ्तार। जिला जेल धौलपुर में बंद एक कैदी को कपड़े देने गए दो युवक कपड़ों में छिपाकर कैदी को सिम भी देने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल अधीक्षक राम अवतार शर्मा ने बताया कि फरवरी महीने में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में पिकअप गाड़ी में गांजा ले जाते हुए गंगापुर सिटी के रहने वाले आरोपी वाकिफ पुत्र रफीक अहमद को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को जेल में मिलने का दिन होने की वजह से गंगापुर के रहने वाले दो युवक फैज मोहम्मद उम्र 28 साल पुत्र मकसूद अहमद और साइबल खान उम्र 20 साल पुत्र मशरूफ अहमद एनडीपीएस के मामले में बंद कैदी से मिलने आए थे, जिन्होंने बंदी को देने के लिए कपड़े क्वार्टर गार्ड को दे दिए। इस दौरान जेल की गार्ड में तैनात आरएसी हेड कांस्टेबल देवी सिंह और कांस्टेबल हरज्ञान सिंह ने कैदी के कपड़ों की तलाशी ली तो उन्हें पैंट की जेब से एक सिम मिल गई, जिस पर जेल अधीक्षक शर्मा ने कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराते हुए दोनों युवकों को पुलिस को सौंप दिया। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि जेल अधीक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कपड़ों को वो अंदर दे रहे थे तो क्वार्टर गार्ड है वहाँ पर, आरएसी के द्वारा, आरएसी जो जाप्ता है उसके द्वारा उनकी तलाशी ली गई कपड़ों की। तो तलाशी के अंदर एक सिम मिली और सिम मिलते ही हमारे द्वारा उन्होंने, आरएसी जो जाप्ता प्रभारी है, उन्होंने एक लेटर दिया कि इस प्रकार से तलाशी में ये सिम मिली है। तो हमने FIR दर्ज करवाई और FIR दर्ज करवाने के बाद में पुलिस उनको साथ में ली। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहां सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता SP निवास व गुलाब बाग के बीच में जीटी रोड धौलपुर। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्रीराम फर्नीचर एवं टेंट हाउस। पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास दूकापुरा वाला कुशवाहा छात्रावास के पास धौलपुर। प्रोप्राइटर सतीश त्यागी रहसेना वाले। खेत के विवाद में फायरिंग, महिला के लगी गोली। धौलपुर जिले के बसीडांग थाना इलाके के ज्वारिकापुरा गांव में खेत के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़े के दौरान फायरिंग की घटना भी सामने आई है, जिसमें एक महिला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ज्वारिकापुरा गांव के एक ही परिवार के दो पक्ष राजवीर और जोगिंदर में खेत के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। आज गुरुवार को राजवीर पक्ष के लोग खेत पर गए हुए थे, तभी पीछे से जोगिंद्र पक्ष के लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। हमले के दौरान मौके पर फायरिंग भी हो गई, जिसमें महिला विकेश गोली लगने से घायल हुई है। वहीं गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। घटना जी ये है कि हम खेत में गेहूं काट रहे थे और घर पे आए गए जोगिंदर ने गोली मारी है चाची के, और रास्ता में पालंग से आए तो गाड़ी हो गई।
भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर में जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। सभी पदाधिकारियों ने कार्यालय पर झंडारोहण किया। धौलपुर कार्यालय पर सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन सुना। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता और हरि निवास प्रधान के विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कैलाश सोनी ने भारतीय जनता पार्टी का उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि राष्ट्र सेवार्थ प्रथम का भाव लेकर चलने वाली भाजपा आज भारत के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। यह हम सभी के लिए महापर्व है। मुख्य वक्ता कैलाश सोनी ने कहा कि भाजपा ने इबारत लिखते हुए भारत की राजनीति को नई दिशा और दशा प्रदान की, जो आगे चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डॉक्टर शशि त्यागी ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को कमल संकल्प दिलाया। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता कैलाश सोनी का माला व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को जितेंद्र राजौरिया, हरिनिवास प्रधान, सुखराम कोहली, सुरेश कौशिक, गोविंद शर्मा ने भी संबोधित किया। चंबल नदी के जंगलों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को चंबल नदी के पास जंगलों में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। सागरपाड़ा चौकी प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि चंबल नदी के पास स्थित जंगलों में एक पेड़ पर किसी युवक का शव लटका है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से उतार कर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। अभी तक मृतक की कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। अन्य थाना पुलिस को सूचित करने के बाद आसपास के क्षेत्रों में भी उसका फोटो भिजवा दिया गया है। शिनाख्त होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। धौलपुर जिले में बुधवार को सुबह सैपो क्षेत्र में कुम्हेरी पियाऊ के पास बाइक सवार को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनमें से एक घायल युवक ने बुधवार को देर रात आगरा के किसी निजी नर्सिंग होम में दम तोड़ दिया, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि कृष्णा पुत्र देवीलाल कुशवाहा और शोभाराम पुत्र कन्हैया कुशवाहा अपने आरी गांव से बाइक पर बैठकर धौलपुर आ रहे थे, तभी सैपो कस्बे में प्याऊ के पास यह हादसा हुआ, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए और उन्हें जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने कृष्णा की हालत के गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जिसने बुधवार देर रात ही आगरा के निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉइड टीवी भी आसान किस्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध है। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप वेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे एयू फर्नीचर,
झोरवाली माता के बगल में बड़ी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। जय हनुमान के जयकारों के साथ निकाली शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे सहित क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव पर विभिन्न मंदिरों पर धार्मिक अनुष्ठान हुए। भक्तजनों ने मंदिरों में रामायण पाठ, भजन, कीर्तन, नेजा व घंटे चढ़ाए तथा प्रसादी का वितरण किया। ग्राम पंचायत बसई नवाब के पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा एवं आयोजन कमेटी के मुख्य व्यवस्थापक विष्णु कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कस्बा के प्रसिद्ध विलैया खेड़ा हनुमान मंदिर पर एवं मनिया रोड स्थित हरि मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। करीब आधा दर्जन आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिसमें राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, राधा कृष्ण की झांकियां आकर्षक का केंद्र रही। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर झांकियों को बैंड बाजों के साथ कस्बा के मुख्य बाजार सहित मालोनी पवार रोड, चौक मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला, मुस्लिम बस्ती, उप तहसील रोड, जाटव बस्ती, इनामी मोहल्ला आदि विभिन्न मार्गों से होकर निकाला गया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह स्वागत कर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम जय हनुमान के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा में पुलिस DSP सेपो विजय कुमार सिंह, कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीणा, नायब तहसीलदार बसई नवाब राकेश गिरी एवं बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कमान संभाली। इस दौरान समाज सेवी गोपाल गुथेनिया, हरिओम कुशवाहा, सरपंच बंटी सोनी, विष्णु श्रीवास्तव, शिवराम सेठ, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, बुडू रावत, हरिओम त्यागी आदि मौजूद रहे। शिक्षक संघ की बैठक में प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों का हुआ सम्मान। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ राजाखेड़ा इकाई की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राजाखेड़ा में किया गया। समारोह की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी के वीरेंद्र कुमार शर्मा, भारत भूषण शुक्ला, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव व जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा व महामंत्री मनीष मुदगल सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं साफा बांधकर स्वागत किया। संघ के प्रांतीय पदाधिकारी वीरेंद्र शर्मा, भारत भूषण शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा, मंत्री मनीष मुदगल ने बताया कि बैठक में राजाखेड़ा ब्लॉक के शिक्षकों से प्राप्त सुझावों एवं मांगों के आधार पर सरकार को प्रस्ताव भेजकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों से जल्द आवेदन मांग कर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर सबसे बड़े कैडर को राहत देने, युवा एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी में राजाखेड़ा से वीरेंद्र कुमार शर्मा को प्रदेश संयुक्त मंत्री तथा भारत भूषण शुक्ला को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा जिला कार्यकारिणी में संजीव श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, योगेंद्र वर्मा को उपाध्यक्ष, दिनेश सोनी को जिला संगठन मंत्री तथा महेश गुप्ता को जिला संयुक्त मंत्री पद की अहम जिम्मेदारी मिलने पर स्थानीय शिक्षकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का साफा एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस मौके पर कुसुमलता तिवारी, अनीता चौधरी, प्रसन्ना कुमारी, मोनिका यादव, संगीता जैन, जयप्रकाश दीक्षित, अभिषेक मीणा, महावीर सेन, हसन सादात, नितिन राय सहित बड़ी संख्या में शिक्षक संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षक संघ की राजाखेड़ा इकाई की ओर से आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा की ओर से 2 पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यकारिणी में और 4 पदाधिकारियों को जिला कार्यकारिणी में अहम स्थान मिलने पर आज राजाखेड़ा इकाई के सम्मान समारोह में आज आने का मौका मिला। मैं सभी को साधुवाद ज्ञापित करता हूं और मैं ऐसी सभी साथियों को ऐसा आश्वासन देता हूं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है कि इनके तबादले 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी बार नहीं हुए हैं। हम इसके लिए सरकार को समय समय पर ज्ञापन प्रेषित करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने केवल आश्वासन दिए है। अब हम संगठन की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन का जल्द ऐलान करेंगे और सभी शिक्षकों को इस लड़ाई को जारी रखते हुए राहत दिलाएंगे कि 2.5 लाख शिक्षकों की इस पीड़ा को सरकार समझे और जल्द आवेदन लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करें। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव।
धौलपुर जिले के सरमथरा कस्बे में गुरुवार को हिंदू धार्मिक संगठनों के द्वारा हनुमान जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शोभा यात्रा के दौरान श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा कस्बे स्थित सीताराम मंदिर से बैंड बाजों के साथ भगवा हाथों में लहराते हुए पुराना बस स्टैंड, फोंदा का चौक, दीवान गली, मुख्य बाजार सती का चौक होते हुए वापस सीताराम मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। श्रद्धालुओं द्वारा मनमोहक झांकियां सजाई गई। कस्बे में व्यापारियों व सामाजिक संगठनों के द्वारा जगह जगह शरबत पिलाकर व पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। भाजपा मनिया मंडल ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में भाजपा मंडल मनिया की बैठक राम अवतार त्यागी के निज निवास पर हुई। मनिया मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान LED लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का श्रवण कराया गया। बैठक में पन्ना प्रमुखों को परिचय पत्र बनाकर वितरण किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर हेम सिंह लोधा, नेमीचंद्र कुशवाहा व अध्यक्षता कर रहे राम अवतार त्यागी ने पार्टी का ध्वजा फहराकर एक दूसरे को बधाई दी। पूर्व उप जिला प्रमुख केदार पोसवाल ने कार्यकर्ताओं में मिठाई वितरित की। बैठक में डॉक्टर हेम सिंह लोधा ने कहा कि पार्टी की रीति नीति एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। अंत में राष्ट्रीय गान की ध्वनि के साथ बैठक का समापन किया गया। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब नहीं सताएगी गर्मी। गर्मी के मौसम में AC, फ्रिज, डीप फ्रिज आसान किश्तों में खरीदे। मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आसान किश्तों में उपलब्ध, वो भी बाजार रेट से सस्ता। साथ में पाए आकर्षक छूट ऑफर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाओ और कोई भी सामान बिना ब्याज के घर ले आओ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, तो देर किस बात की, जल्दी करिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। माँ त्रिपुर सुंदरी को लगाए 56 भोग, उतारी आरती। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री धाम विलोनी में मां त्रिपुर सुंदरी को 56 भोग लगाए गए। श्री जी विनायक सेवा समिति के सदस्य अनुराग शर्मा ने बताया कि वर्ष प्रतिपदा के आरंभ होने से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शक्तिपीठ के प्रमुख स्वामी राजेश चैतन्य सरस्वती के सानिध्य में किया गया। प्रातःकाल सूर्योदय की वेला में मां त्रिपुर सुंदरी का दूध, दही, शहद और पंचगव्य से अभिषेक किया गया। उसके बाद श्रृंगार आरती का आयोजन हुआ। 56 भोग के दर्शन से पूर्व शक्ति पीठ पर नूतन धर्म ध्वजारोहण विद्वान आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया। आचार्यों के स्वस्ति वचन से शक्ति पीठ गुंजायमान हो गया। देर शाम माता को 56 भोग की झांकी लगाकर भक्तों ने आरती की। 56 भोग के श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। आशाओं ने की कोविड प्रोत्साहन राशि दिलाने की मांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा ब्लॉक की आशाओं ने कोविड प्रोत्साहन राशि दिलवाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी के समय राज्य सरकार के जन जागृति कार्यक्रम, कोविड वैक्सीनेशन,
जांच, कोविड मरीजों का घर घर विजिट करना, दवा वितरण करना आदि कार्यों का अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए थे, जिसके बदले आशाओं को सोशल मोबाइलाइजेशन प्रोत्साहित राशि दी जाए। आशाओं ने बताया कि कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। बिना प्रोत्साहन राशि के अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आशाओं का आरोप है कि उसी ब्लॉक में आशा सुपरवाइजर हकीम सिंह द्वारा नवंबर 2022 में गोपालपुरा पीएससी पर 40% का कमीशन लेकर प्रोत्साहन राशि वितरित कर दी थी, जिसमें जिला लेखा प्रबंधक कृष्ण कुमार भी शामिल है। आशाओं का कहना है कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर जिला स्तर पर मजबूरन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। इस मौके पर मीना, सोनल, सुमन, पुष्पा, मिथलेश, ममता, नीलम, सरिता, मनीषा आदि मौजूद रही। सैपो मंडल ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी मंडल सैपो द्वारा मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल के नेतृत्व में पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने में हमें गर्व है। इस मौके पर किसान मोर्चा अध्यक्ष बलवीर परमार, हकीम सिंह लोधा, सुनील कोली, रविंद्र शर्मा, टोनी जगरिया, ब्रजेश भगेला, रामकुमार शर्मा, गुड्डू कुशवाहा, अमर पहाड़िया, पप्पू वाल्मीकि, शक्ति सिंह, विजयपाल आदि मौजूद रहे। पूर्व मंत्री बघेल ने की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात। धौलपुर जिले के निवासी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल ने आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय जयपुर पर भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की और साफा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बघेल ने सीपी जोशी को मिठाई खिलाकर प्रदेश अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बघेल ने सीपी जोशी से धौलपुर जिले के वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा परिचर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंत्रणा की। इस दौरान भाजपा के युवा नेता विक्रम सिंह बघेल भी मौजूद रहे। सफाई मजदूर यूनियन की ब्लॉक कार्यकारिणी का हुआ गठन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन की बैठक हुई। हरिजन बस्ती स्थित कार्यालय में तहसील अध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थनवार के निर्देशन में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से रामलखन को उपाध्यक्ष, राणा पार्षद महामंत्री, दीपक कुमार महासचिव, दिलीप कुमार वाल्मीकि कोषाध्यक्ष, मनोज कुमार सलाहकार, अमन कुमार संगठन मंत्री, शुभम कुमार संयोजक, अंकित कुमार उप संयोजक, राहुल वाल्मीकि कार्यालय मंत्री, रिंकू मीडिया प्रभारी सदस्य, आशिक वाल्मीकि, कृष्णा वाल्मीकि, भूपेंद्र, रामू, चिरमोली, रघुवीर को मनोनीत किया गया। इसके बाद नवगठित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। भाजपा नेता जादौन ने की जोशी व राठौड़ से मुलाकात। धौलपुर के भाजपा नेता धीर सिंह जादौन ने भी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात कर शुभकामनाएं व बधाई दी। साथ ही जादौन ने राजेंद्र राठौर के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर उनके जयपुर स्थित निवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल से भी जयपुर में शिष्टाचार भेंट की। बोनाराम बने अंबेडकर शोभा यात्रा के समिति अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में अंबेडकर शोभा यात्रा को लेकर बैठक हुई, जिसमें बोनाराम सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यकारिणी में बाबू सिंह को कोषाध्यक्ष, विशंबर नेकराम व कल्याण सिंह को उपाध्यक्ष और फूल सिंह बाबूलाल को महासचिव तथा भीमसेन को सचिव एवं अचल सिंह को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।
वहीं गोधन सिंह, तेज सिंह, रामविलास, रामहेत को संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई। नवनियुक्त अध्यक्ष बोनाराम ने बताया कि 25 अप्रैल को बसई नवाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देहोली एवं जाटोली में अधिकारियों ने की जन सुनवाई। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम देहोली एवं धौलपुर की ग्राम पंचायत जाटोली में जन सुनवाई की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत देहोली में 29 एवं ग्राम पंचायत जाटोली में 31 परिवाद प्राप्त हुए। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारी को भेजकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी से कहा कि पोर्टल खुलने पर परिवादियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़वाने की कार्यवाही की जाए। जन सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह, नायब तहसीलदार चरण सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंतीलाल मीणा, अधीक्षण अभियंता PHED HK अग्रवाल, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, जिला रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।